हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम आरबीआई का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे हम जानेंगे आखिर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते थे और कितना कट ऑफ रहेगा और क्या क्या क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में पूछे गए देखिए अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो शिफ्ट फोर सबसे इजी माना जा रहा है इसके अलावा जो शिफ्ट टू है वो थोड़ा सा ट्रिकी माना जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछे गए थे शिफ्ट टू में और शिफ्ट वन और शिफ्ट थ्री ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का था ओवरऑल अगर हम एग्जाम की बात करें तो मैथ्स और इंग्लिश का सेक्शन थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का था बाकी जो रीजनिंग है रीजनिंग सबसे इजी थी और सबसे ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर सकते थे रीजनिंग में नंबर ऑफ अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो मैथ्स में थर्टी टू से थर्टी फोर इजिली अटेम हो सकते थे क्वेश्चन रीजनिंग में थर्टी से थर्टी टू क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते थे और इंग्लिश में ट्वेंटी एट से ट्वेंटी नाइन ओवरऑल आप 92 से लेकर 95 फाइव क्वेश्चन कर सकते थे इजिली और जो क्वेश्चन है जो पेपर है उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी था जितने बच्चे हैं उन्होंने इजी रिपोर्ट किया है इस पेपर को क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सात से आठ क्वेश्चन थे वर्ड यूसेज के तीन क्वेश्चन थे पैराजल के पांच क्वेश्चन थे स्पेलिंग एरर्स के पांच क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के पांच क्वेश्चन थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के तीन से चार क्वेश्चन थे देखिए स्पेलिंग एरर्स और एरर डिटेक्शन के तो क्वेश्चन दस क्वेश्चन है तो वो इज़िली आपको मतलब मेरे हिसाब से तो इज़िली सॉल्व हो जाने चाहिए थे ये क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट भी ईजी है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी ईजी था अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में डीआई के पांच क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के तेरह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के दो क्वेश्चन एक केसलेट आया था फैमिली से रिलेटेड उसके पांच क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के दस क्वेश्चन थे रीजनिंग में पजल्स के पंद्रह क्वेश्चन पूछे गए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पांच क्वेश्चन थे कोडिंग के पांच क्वेश्चन थे चाइनीज कोडिंग पूछी गई थी ब्लड रिलेशन के तीन क्वेश्चन डायरेक्शन के चार क्वेश्चन सिंपल कोडिंग का एक क्वेश्चन था और पेयर फॉर्मेशन मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना ऐसे ही मिसलेनियस दो क्वेश्चंस थे तो ओवरऑल जो पेपर है काफी इजी माना जा रहा है और अगर हम पजल्स की बात करें तो तीन पजल पूछी गई थी पहली पजल थी फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल जैसे ये पजल होती कि मिस्टर ए इस फ्लैट में रहते हैं इस फ्लोर पर सेकेंड सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं इस तरीके की पजल पूछी गई थी डे बेस्ड पजल थी है ना सारे डेज दिए हुए थे मंडे से लेकर सैटरडे उस पर पजल बनाई गई थी और एक ऑर्डर बेस्ड पजल थी ये तीन पजल्स थी और पजल्स इजी थी ऐसा नहीं कि पजल्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप ये पजल्स इजिली सॉल्व कर सकते थे एग्जामिनेशन में तो ओवरऑल जो एग्जाम है वो इजी माना जा रहा है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो भी थोड़ा सा इस बार हाई रहेगा क्योंकि तो पेपर इजी है और कॉम्पिटिशन काफी हाई हो चुका है तो जैसे पिछली बार था जो यूपी है यूपी में कट ऑफ नाइन्टी सिक्स था शायद नाइनटी सिक्स कट ऑफ था जितना मुझे याद है तो अगर इतना कट ऑफ था तो इस बार भी आप मानिए कि नाइन्टी के ऊपर तो कट ऑफ रहेगा ही रहेगा और हो सकता है नाइन्टी थ्री या नाइन्टी फाइव के अराउंड कट ऑफ जाएगा क्योंकि पेपर इजी था और काफी बच्चों ने अच्छा अटेम्प्ट किया है जितना फीडबैक हम लोगों को मिला है अभी तक और आप लोग एक काम बस कर दीजिएगा कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है आप, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमें थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लग सके कि कितना कट ऑफ जाएगा और आप जरूर बताइए कि पेपर का लेवल आपके हिसाब से कैसा था ईजी था या टफ था और अपने मार्क्स जरूर कॉमेंट करिए थैंक यू